नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको चार ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आप अपना चेस्ट बिल्कुल बेस्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इन चार एक्सरसाइजेस के साथ मैं आपको कुछ सुपर सेट्स भी बताऊंगा जिनको आप इंक्लूड करके अपनी एक्सरसाइज को और बेटर बना सकते हो और अपने फिजिक को और इन्हेंस कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि ये लोग आपको बहुत सारे वेरिएशंस बताते होंगे, लेकिन हमको वेरिएशंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो मेन हमारी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेज होती हैं वही एक्सरसाइजेज हमें करनी है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो मेरी वीडियो में एंड तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चेस्ट के चार मेन पार्ट होते हैं, अपर, लोअर, मिडिल पार्ट और ये लाइनिंग। ये चारों चीज़ें बहुत जरूरी है। तो मैं पहली एक्सरसाइज जो आपको बताने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज हमारी होने वाली है अपर पार्ट के लिए। तो मैं इंक्लाइन डंबल लगाने वाला हूँ, आप चाहें तो इंक्लाइन रॉड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मसल माइंड कनेक्शन डंबल से ज़्यादा बढ़िया है तो मैं ये लगा रहा हूँ। तो इसको देखिए कैसे लगाना है। हमें डंबल ना ही ज़्यादा दूर लेके जाने हैं, ना ही ज़्यादा पास लेके आने हैं। देखिए मैं कैसे परफॉर्म करूँ। पहले हमें डंबल खा रखते हैं, उसके बाद इसको शोल्डर पे जितना खोलकर फिर ऊपर ना ऐसे ज़्यादा लेना है, ना ज़्यादा क्लोज करना है। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसी विथ के साथ इसको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हमें इसके चार सेट्स लगाने हैं और वो भी 12 या 15 रेप के लिए हम चाहें तो इसे लगा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है डिक्लाइन बेंच। ये हमारी होगी लोअर चेस्ट के लिए। तो इसके साथ मैं एक सुपर स्क्वाट भी परफॉर्म करूँगा, तो आप उसको भी ध्यान से देखें। देखिए हम इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। पूरा लेटिंग का तुम्हें रॉड यहाँ पर टच कर देंगे। इसकी जगह अगर आप चाहें तो हाईटेक फ्लाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो। ट्राई करेंगे मुझे बताएं। फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है डंबल राउंड्स। ये पूरी ओवरऑल चेस्ट पे टारगेट करती है और उसके बाद मैं आपको सुपर सेट में बताऊंगा फ्लैट बेंच, वो भी पूरे ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करती है। आप चाहें तो फ्लैट बेंच की डंबल्स भी मार सकते हैं, आप चाहें तो रॉड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रॉड परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इसका एक सेट लगाने के बाद जस्ट तुरंत उसका एक सेट लगाना है और ऐसे ही करके आपको चार सेट परफॉर्म करने हैं बिना रेस्ट के। मतलब एक सेट इसका, एक सेट उसका, उसके बाद आप 60 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सेट के बाद आप रेस्ट लें फिर वो करें, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों सेट के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। और हमने डंबल ले लिए, ये हमने यहाँ पर डंबल रख लिए, को नीचे यहाँ रोकना है, स्क्वीज करना है ऐसे, यहाँ रोक के स्क्वीज करना है, यहाँ रोक के स्क्वीज करना है, यहाँ रोक के स्क्वीज करना है। इसके आपको 12 रैप्स लगाने हैं। स्क्वीज करना है, यहाँ रह के स्क्वीज करना है, यहाँ रह के स्क्वीज करना है। इसके बाद आप उसको रख दें और तुरंत हमें दूसरा सेट परफॉर्म करना है। आ जाते हैं फ्लैट बेंच पे। आप चाहें तो इसके डंबल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रोड लगाने वाला हूँ। तो आप देखिए चार एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बताने वाला था चेस्ट के लिए। आप इन एक्सरसाइजेज को जरूर ट्राई करें और
ट्राई करके मुझे बताएं कि एक्सरसाइज आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे भाई को बहुत आगे जाना है। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉट पीस गेम्स।